हेलो। हेलो, मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ। जरा अपने घर का पता बता दोगी? सर क्या हो गया ऐसा? कुछ जरूरी काम है, ओके इसीलिए मुझे मिलना है। ओके। गली नंबर 1, मकान नंबर 135। अच्छा ठीक है। ओके ये बॉस क्यों आ रहे हैं अभी? ऐसा क्या हो गया? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आइए अंदर। सर आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है। सर चाय लीजिए ना। नहीं नहीं इसकी क्या ज़रूरत थी? सर क्या इमरजेंसी हो गई जो आपको इतनी जल्दी आना पड़ा इधर? थोड़ा ऑफिस का काम ज़रूरी था इसीलिए मैं आया हूँ। चलो जिस काम पे आया हूँ मैं उस पर फोकस करते हैं। ये सब क्या है सर? मैं कुछ समझी नहीं, क्या हो गया? क्या हो गया? मैं आप लोगों को काम पे ढील दे देता हूँ, इसका मतलब ये है आप ध्यान ही नहीं दोगे ऑफिस में बिल्कुल? सर हम अपना काम तो प्रॉपर तरीके से करते हैं। एक तो काम चोरी, ऊपर से एक्सक्यूज, मुझे कुछ नहीं सुनना ये सब। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। सॉरी, कोई भी बैलेंस शीट मैच हो रही है इसमें? देखो जरा। सॉरी सर बाय मिस्टेक हो गया। इस बार तो छोड़ रहा हूं लेकिन अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें ऑफिस से निकाल दूंगा। सर चाय लीजिए ना। सर आज के बाद कोई मिस्टेक नहीं होगी। चलो ठीक है, आपको एक चांस और दिया जाता है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है मैं निकलता हूँ। जी वैसे चाय बहुत अच्छी बनाई थी तुमने। सर अब मैं चलता हूँ। हेलो। हेलो नीलम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? क्या चल रहा है आजकल बताओ। क्या बताऊँ मैं यार, आज सुबह सुबह घर पे बॉस आए थे, बहुत ज़्यादा भड़के हुए थे। अच्छा क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम हुई क्या?
हाँ एक्चुअली बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ हो गई ना, इसलिए वो बहुत ज्यादा। तो कैसा है, मामला सुलझ सकता है या कुछ ज्यादा ही सीरियस है? सीरियस क्या ही बताऊँ, वो बोल रहे थे अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ, मिस्टेक हुआ, तो मेरे को जॉब से वो निकाल देंगे। अच्छा तो तुमने क्या सोचा है? अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं, तुम बताओ अगर कुछ। अगर मैं बताऊंगा तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं तुम बताओ। अच्छा सुनो, देखो लड़कियों को पता होता है कि मर्द कहाँ पे घुटने टेकते हैं, तुम भी कुछ वैसा ही करो ना, तुम भी कुछ रंगीन करो ना, समझ रही हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? रंगीन? अरे अपने आप को तुम उसके आगे ऐसा पेश करो कि वो खुद तुम्हारे आगे नतमस्तक हो जाए। अच्छा समझ रही हो ना? हाँ मैं समझ गई। तो कुछ ऐसा ही करो ना, वो तुम्हें डांटेगा ना तुम्हें जॉब से निकालेगा, और समझ लो तुम्हारा काम हो गया, क्योंकि लड़के ऐसे ही होते हैं। हाँ मैं समझ गई। ठीक है? हाँ ठीक। अच्छा सुनो, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है? ठीक है ठीक है। ओके बाय। ओके बाय। आइडिया तो अच्छा है, अब देखती हूँ कैसे उठ पहाड़ के नीचे नहीं आता है। हाँ जी सर। निर्मला अभी भी तुम्हारी हेड ऑफिस से शिकायत पर शिकायतें आ रही हैं, ऐसे नहीं चलने वाला। क्या हुआ सर? हुआ क्या, देखो अब मैं कहाँ तक कोऑपरेट कर सकता हूँ तुम्हें। ऐसा क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया? वो बात ठीक है, लेकिन जैसे अगर अब तुम्हें जॉब पर रहना है तो कुछ मेरी भी डिमांड्स हैं या फिर ऑफिस की कुछ कंडीशन है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। क्या बताइए? क्यों नहीं समझी तुम, वैसे तो बहुत समझदार दिखती हो, ऊपर से क्यूट भी हो। जी हाँ बिल्कुल। चलो तो फिर मिलते हैं किसी दिन। जी सर, आप कब आ रहे हो, आज या कल? आज ही आ रहा हूँ मैं। ओके ठीक है सर, आप आ जाओ मेरे घर पे, फिर हम मिलके बात करते हैं। जी आ रहा हूँ मैं। आप आ रहे हो अभी? जी आ रहा हूँ मैं। ठीक है सर, थैंक यू। जी आ रहा हूँ। यार सही बोल रहा था, मेरे को कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी। सर बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा? करना क्या है, सबसे पहले तो आप चाय लेकर आइए, क्योंकि आप चाय बहुत अच्छी बनाती हैं। अच्छा जी ठीक है, मैं लेके आती हूँ। जाइए। सर चाय लीजिए ना। वाओ क्या क्या डालती हैं आप चाय में, दूध और शक्कर के सिवाय? प्रेम आपके लिए। प्रेम? वो भी मेरे लिए? बिल्कुल। वाओ चलिए तो ये बताइए अब आगे करना क्या है। आप बोल के तो देखिए। मैं? बिल्कुल। जब भी मैं ऑफिस में देखता हूँ तो देखता ही रह जाता हूँ, जब रात को घर पहुँचता हूँ तब भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा चेहरा याद आता है,
मुझे तुम्हारे सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता, तो बताइए मैं क्या करूँ अब। मैंने भी आपको जब पहली बार देखा था, अच्छा, मेरे दिल में था, बट ऑफिस की सारी गर्ल्स आप पे फिदा, आप है इतने स्मार्ट हैंडसम। दिल में था तो बता हाँ। देना चाहिए था, डिनर के लिए तो पूछ सकती थी ना। हाँ डिनर के लिए मैंने ट्राई किया, आप इतने बिजी। तुम्हारे लिए तो टाइम ही टाइम है मेरे पास। मेरे लिए टाइम ही टाइम है तो ये बात तो मेरे को नहीं पता थी। ओ हाँ, अच्छा तो फिर कुछ नई प्लानिंग की जाए, सारी बातें यहीं करोगी या फिर कुछ हाँ। समझ रही हो ना? हाँ मैं समझ रही हूँ। तो चलिए चले। मैं ज़िंदगी के इस पल को बहुत हसीन बनाना चाहता हूँ। मैं भी आपका साथ देना चाहती हूँ। साथ देना चाहती हो? बिल्कुल। तो फिर इतनी दूर क्यों हो? आखिर मैं इस पल का इतने टाइम से इंतजार कर रही थी। मेरे लिए? हाँ चलो तो इस पल को हसीन बनाते हैं।